बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर स्पीक्स में खुश आमदीद। दोस्तों, जब आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, मुश्किलात के पहाड़ आपका रास्ता रोके खड़े होंगे, सब आपसे दूर चले जाएंगे, आपके दोस्त आपके रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ चुके होंगे। जब आपको लगने लगेगा कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, उस मुश्किल दौर में भी एक इंसान ऐसा होगा जो आपके लिए जीने मरने को तैयार होगा। तो आइए बात करते हैं जिंदगी के उस कठिन दौर की जो कई बार हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। इंसान परेशान हो जाता है, कई बार तो जीने का ख्याल भी जाने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ एक अकेले इंसान की। क्या अकेले होना कमजोरी की निशानी है? क्या अकेलापन इंसान को दुखी करता है? अकेलेपन से डील कैसे करें? और क्या हैं वो खूबियाँ जो एक अकेले इंसान में कूट कूट कर भरी होती हैं? आइए जानते हैं। क्वालिटी नंबर एक, वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग अकेले रहते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। ये खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, बल्कि ये खुद के साथ साथ दूसरों के मन का हाल भी जानने की काबिलियत रखते हैं। इनका दिमाग क्रिएटिव होने के साथ साथ अच्छी तरह से काम करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी नंबर टू, ग्रेट सेल्फ कंट्रोल। बुनियादी तौर पर जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको अपने जिस्म और अपने दिमाग पर अच्छी पकड़ हासिल होने लगती है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कई मर्तबा मुआशरे के कुछ नालायक दोस्तों की वजह से नहीं कर पाते। अब चूंकि आप अकेले होते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हो। बजाय किसी दूसरे के दबाव में जीते रहने के, आप खुद को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। क्वालिटी नंबर तीन, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। किसी मुश्किल का हल, कुछ नया सोचना, कुछ यूनिक सोचना, ये सारी खूबियाँ एक अकेले इंसान में कूट कूट कर भरी होती हैं। ये सब अपने आप आने लगता है, क्योंकि अकेलापन अपने साथ कई अच्छे ख्यालात लाता है, जिन्हें अपना कर हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्वालिटी नंबर फोर, बिकम लॉजिकल। लोगों के दरमियान रहकर हम हमेशा कई तरह के इमोशंस में घिरे रहते हैं, और इसी वजह से हम लॉजिकल होना भूल जाते हैं। और जहां इंसान का दिमाग लॉजिक से फिसला, वहां तो गिरना तय है। वैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इमोशंस में इंसान हमेशा गलती करता है। जब आप अकेले होंगे, तब आप सिर्फ खुद को सुनेंगे, इसलिए आप लॉजिक के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। क्वालिटी नंबर फाइव, किंग्स एटीट्यूड। जो इंसान हमेशा अकेले रहने लगता है, उसके अंदर एक लीडर जैसा एटीट्यूड बनने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। जिसमें अकेले रहने की ताकत होती है, उसमें एक लीडरशिप की काबिलियत झलकती है, जो एक दिन उसको बड़ा इंसान बना देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।